नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। योगी सरकार लगातार घुसपैठियों पर एक्शन ले रही है, एक के बाद एक इन्हें धर दबोचा जा रहा है। इसी बीच कानपुर से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी नागरिकों पर योगी सरकार का जबरदस्त एक्शन हुआ है। यहां मुस्लिम इलाके में घुसकर 16 संदिग्ध नागरिक को दबोचा गया है। जी हाँ, कमिश्नरेट पुलिस चोरी छिप कर रह रहे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चला रही है। कानपुर के वेरिफिकेशन में 16 संदिग्ध नागरिक सामने आए। ज्यादातर संदिग्ध असम के बारपेटा जिले के रहने वाले हैं। बारपेटा जिले के एमपी से रिपोर्ट मांगी गई है, वहीं से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कानपुर के एक बड़े हिस्से में मुस्लिम आबादी रहती है। पुलिस को इस बात का संदेह है कि शहर के कई इलाकों में रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी नागरिक समेत दूसरे देशों के लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। कानपुर पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान की शुरुआत की है। पिछले दिनों एटीएस ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादी मिन्हाज और मसरुद्दीन को अरेस्ट किया था। अलकायदा आतंकवादियों का कानपुर कनेक्शन भी मिला था। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में कई ऐसे स्लीपर सेल छिपे हुए हैं जो मिन्हाज और मसरुद्दीन की मदद करते हैं। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के मुताबिक कानपुर में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक यदि कानपुर में है तो पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन इलाकों में लोगों पर संदेह है, वहां पर जाकर थाने की पुलिस शालीनता के साथ परीक्षण कर रही है। थाने की पुलिस मौके पर जाकर एक फॉर्म भर रही है, जिसमें उनकी डिटेल और जो अभिलेख उनके द्वारा दिखाया जा रहा है उनके स्कैन करके रखा जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि डॉक्यूमेंट डेटा का परीक्षण किया जा रहा है। जिन पर संदेह होता है, उनकी संबंधित जनपद की पुलिस से जांच कराई जाती है। ऐसे 16 लोग सामने आए हैं। इसमें ज्यादातर लोग असम के रहने वाले हैं। वहां के एसपी से हमने रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। बाकी संदेह यही जताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी नागरिक या घुसपैठिए कोई भी हो सकता है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।